धन्यवाद आदि फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका। मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वास्तु के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि गलत दिशा में सर रखकर सोया जाए तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को डिप्रेशन, अनिद्रा, उन्नति में रुकावट, बुरे सपने आना और धन हानि होने की संभावनाएं रहती है। वहीं अगर सही दिशा में सर रखकर सोया जाए तो व्यक्ति के जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती हैं और कुबेर जी की कृपा आप पर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं सोने की सही दिशा क्या है। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया हुआ तो प्लीज अभी कर लेना और बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली ऐसी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए जानते हैं सोने की सही दिशा के बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में सर रखकर सोने से व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ही दक्षिण दिशा में सर रखकर सोने से भी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं। दक्षिण दिशा में सर रखकर भी नहीं सोना चाहिए। अब हम बात करते हैं पश्चिम दिशा के बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में सर रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा में सर रखकर सोने से पैर पूर्व में हो जाते हैं, जो कि देवी देवताओं की दिशा होती है। इस दिशा में सर रखकर सोने से व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं और शरीर में बेचैनी रहती है, इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में सर रखकर भी नहीं सोना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि पूर्व दिशा में सर रखकर सोया जाए तो व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी होता है, साथ ही कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ता है। वास्तु शास्त्र में पूर्व दिशा सोने की सही दिशा मानी जाती है। अगर आप व्यवसायी हैं या नौकरी पेशा है तो फिर पूर्व दिशा में सर रखकर सोना चाहिए। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या आप विद्यार्थी हैं तो पूर्व दिशा में सर रखकर सोना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में सर रखकर सोने से एकाग्रता बढ़ती है, साथ ही शिक्षा के कार्य में चल रहे सभी प्रयास सफल होते हैं। तो शास्त्र के अनुसार सोने से पहले आप इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।